अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, डोंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद गटी मैसम्मा इलाके में पुलिस के सामने एक झगड़ा हुआ, जिसमें एक शख्स को, जिसका नाम शेख जावेद है, तेज हथियारों से मारकर उसको जख्मी कर दिया गया। लेकिन पुलिस तमाशाई बनकर खड़ी रही और खुद पुलिस खौफ में थी। बड़ी अफसोस की बात है, ऐसे लोग हमारे इस महकमे में आ रहे हैं और मारने वाला शख्स को पुलिस का कोई खौफ कोई डर नहीं, और वो आता है, मारता है और पुलिस के सामने चले जाता है। पुलिस सिर्फ तमाशा देखती है। अब इसके जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी? ऐसे पुलिस वालों की वजह से क्रिमिनल्स के हिम्मत बढ़ती जा रही है, इसीलिए खुलेआम कत्लेआम हो रहे हैं। आप ये वीडियो के जरिए देख सकते हैं किस तरह से ये तमाशा किया गया और एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। जब आवाम जमा हुई, एम्बुलेंस को कॉल की, एम्बुलेंस आकर शेख जावेद को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर वो जेर इलाज है। पुलिस तहकीकत के नाम पर केस फाइल की है, लेकिन अभी तक शायद उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे ही पुलिस वालों की वजह से आवाम का एतमाद कानून पे से उड़ता जा रहा है। जरूरी है कि पुलिस को अपनी इमेज बदलने की, ताकि आवाम पुलिस पर भरोसा रखे, एतमाद रखे और ऐसे क्राइम को कम करने में आवाम साथ दें, और ऐसे क्रिमिनल्स सलाखों के पीछे हो और ऐसी सजा मिले कि फिर कभी कोई मासूम या मजलूम पर हाथ ना उठाए, हमला ना करें। बहरहाल, देखना है कि डोंडीगल पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।